नागपुर शहर के इतिहास में पहली बार सूफी फैशन शो का आयोजन किया गया था। शाम में सूफी नामक इस कार्यक्रम में पहली बार सूफी फैशन शो का आयोजन हुआ। दीपाली मिश्रा प्रस्तुत और रोटरी क्लब नॉर्थ नागपुर द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में कॉस्ट्यूम हयात डिजाइनर स्टूडियो की रुमाना फैजल ने डिजाइन किए, जो मौजूदा लोगों को काफी भागे। तो आइए चलते हैं सूफी फैशन शो पर और देखते हैं हयात डिजाइनर स्टूडियो के रुमाना फैजल ने क्या क्या डिजाइन पेश किए थे। सर्द शाम हो और आपको सूफी संगीत का मजा उठाने मिल जाए तो उस शाम की रंगत और भी बढ़ जाती है। ऐसे ही शाम का मजा दीपाली मिश्रा द्वारा प्रस्तुत और रोटरी क्लब नॉर्थ नागपुर द्वारा प्रायोजित शाम ए सूफी नामक इस कार्यक्रम में नागपुर की जनता ने उठाया। सूफी गायक राहुल मुखर्जी और अंकिता ब्रह्मे ने सूफी गायन कर समा बांध दिया, तो दोनों ने अपने मदहोश आवाज से मौजूदा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने इवेंट्स के लिए पहचाने जाने वाली दीपाली मिश्रा के इस प्रस्तुति ने दर्शकों को अलग ही मजा दिया। तो आइए आपको लिए चलते हैं उस मदहोश करने वाली शाम में, जिसका नाम था शाम ए सूफी। दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। शाम ए सूफी के जो शाम आपने सुनी है, उनके ऑर्गेनाइजर मेरे साथ मौजूद है। मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, उनकी वाइफ है, और कमलेश चोटवानी जी मौजूद है जी, जो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट है फिलहाल नॉर्थ ब्लॉक के। मैं सही कहा सर? जी सर, सर मैं आपसे ही पहला सवाल पूछता हूँ कि ये जो पूरा थीम आज का शाम जो रही, काफ़ी लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं, ये थीम कहाँ से सोची और कैसा ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? हमने ये थीम हमने ऐसे सोची है कि काफ़ी समय हो गया है लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट सेशन हुआ नहीं है, प्लस रोटरी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो भी हम फंड रेजिंग या जो भी स्पॉन्सरशिप हम प्रोग्राम के थ्रू जनरेट करते हैं, इससे हम कैटरैक ऑपरेशंस करवाते हैं, सोशल प्रोग्राम्स करवाते हैं, और बहुत सारे रोटरी फाउंडेशन एक बड़ा नाम है, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रोटरी फाउंडेशन हर मजबूत जो भी लोग रहते हैं, जिनको भी ज़रूरत रहती है, अंडर प्रिविलेज लोग हो गए, उनका मेडिकल कोई रीज़न हो या दूसरी कोई उनको मदद की ज़रूरत हो या एजुकेशन हो, वो सब में रोटरी आगे आके खुद बढ़कर मदद करता है। तो ये सब दिमाग में लेके हमने कहा कि दोनों क्यों ना एक साथ कर लिया जाए, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और फंड रेजिंग भी हो जाएगा, ये सब सोच के हमने ये प्रोग्राम किया। हमारे साथ मिश्रा मैम भी, उनसे बात करते हैं। मैम ये जो थीम है आज का शाम ए सूफी, सूफी ही आपने क्यों चूज़ किया आज का, आज के प्रोग्राम के लिए? आई थिंक ही विल एक्सप्लेन बेटर देन मी, तो यू कैन आस्क हिम। हमेशा कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन आपने अपने हस्बैंड को सामने, ही कैन एक्सप्लेन वेरी वेल, मतलब बेटर देन मी, तो आई थिंक आपके वाइफ ने आपको बोल दिया तो ठीक है। क्योंकि गानों का प्रोग्राम बहुत दिनों से फेसबुक पे चल रहा था, किशोरदा की मेमोरी, मुकेश साहब की मेमोरी, ऐसे कई, वो एक लेजेंडरी लोग हैं, लोगों ने फेसबुक पे देखा, लोगों ने, अब मैंने, हम लोग ने ये डिसाइड किया कि लाइव कैसे किया जाए, तो शायद ये नागपुर का पहला लाइव इवेंट है जो कि हम लोग ने रोटरी के साथ मिलके, हमने चाहा कि दर्शकों को बुलाया जाए, कलाकारों को बुला के उनसे रूबरू हुआ जाए, और सूफियाना अंदाज में जो लोगों के मन में कुछ नया सुनने का इरादा, अभी आपने जितने भी सूफी इवेंट देखे होंगे वो सब शादियों में या लेडी संगीत में या इस टाइप में होता है, हॉल शो या ओपन शो सूफी नाइट को ही नहीं करता है। इसमें हम लोग ने एक प्लस पॉइंट ये भी दिया कि हम लोग ने फर्स्ट टाइम सूफी फैशन शो दिया, जो कि अभी तक नागपुर में सूफी फैशन शो नहीं हुआ था, तो मेरा शुरू से एक दिली इच्छा थी
कि जो मोनोटोनियस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि थोड़ा एक अलग टाइप का एक इवेंट किया जाए। इसके लिए मैंने स्पेशली सूफी सिंगर राहुल मुखर्जी और अंकिता ब्रह्मे जी को बॉम्बे से इनवाइट किया नागपुर। थोड़ा कठिन था मेरे लिए क्योंकि जब भी मैं जिसके पास भी जाता था तो कोविड का कोई ना कोई मुझे सबसे नेगेटिव ही सुनने मिलता था कि कोविड है, आप प्रोग्राम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये तो मेरी मानसिकता लोगों की बदलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये लाइव प्रोग्राम किया। मैं एक डर भी होगा क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लोग आएंगे नहीं आएंगे, तो ये डर दिमाग में था जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। वी टुक ऑल द प्रिकॉशंस, एक्चुअली वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द NMC। मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ वो यहाँ पे हॉल को सैनिटाइज करना, प्लस साथ में टेम्परेचर मशीन रखना, जितने भी ऑडियंस आ रहे उनको हम लोग ने सैनिटाइज हाथ में उनको सैनिटाइजर दिया। मास्क का प्रोविजन हम लोग ने रोटरी क्लब ऑफ नागपुर नॉर्थ ने मास्क दिया था कि किसी कारणवश कोई मास्क नहीं ले पाता है, वो मास्क हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमारी कोशिश यही रही कि हम लोग ने एक प्रयास किया, कोशिश की कि एक दर्शकों तक पहुँचे, और मैं शायद हम लोग ने उसमें कामयाबी नहीं बोलना चाहिए बट एक प्रयास को हम लोग ने करने की कोशिश करी, बस उसको इम्प्लीमेंट किया हम लोग ने। तकलीफ़ें बहुत हुई है इसके अंदर, मुझे बहुत नेगेटिविटी मैंने लोगों से सुना मैंने, तो उसके लिए मैं वो अपने जगह सही है भैया, वो उनका मैं डर तो उनका नहीं निकाल सकता बट आने वाले समय में इससे अच्छा कार्यक्रम करके दूंगा मैं। और भी कोई नहीं सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और रोटरी क्लब सिर्फ एंटरटेनमेंट, रोटरी क्लब जो है वो सामाजिक कामों में भी आगे रहता है जैसे कि सर ने हमें बताया है, उसी तरह से आने वाले कुछ दिनों में भी नए नए प्रोग्राम्स होंगे और जिससे फंड रेस करके सामाजिक काम में रोटरी क्लब आगे आने वाला है। आप देख रहे थे महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।